पार्टी का उस ज़माने में बहुत नाम था पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पहली बार पावर में आई थी दुनिया में, बड़ी लीडर बनी थी इंटरनेशनल लेवल पर। तो उस हवाले से फिर हमने स्टार्ट लिया, मैं एज ए वोटर के तौर पे नहीं, एज ए रिलेटिव के नाते से मैंने पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन वोट मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी को नहीं दिया। वोट वाहिद मैं मुस्तफ़ा कमाल सैयद चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल पाक सज़मी पार्टी, उसके अलावा मैंने आज तक वोट कास्ट नहीं किया। जैसे कि आपको पता है मेरी आप देखें कि PMLN से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से डायरेक्ट ताल्लुकात है, मैं जद्दा का नायब सदर था, मियाँ साहब जला वतन होके आए मेरे सामने 2003 में, मेरी उनसे भी मीटिंग्स रहती थी फेस टू फेस। आज भी वो कहते हैं आप कहाँ माजरों में चले गए मलिक साहब, तो मेरे ये मामला बड़े हैं। लेकिन ये है कि देखिए मैं ये कहता हूँ कि आपने हदीस नबी सुनी होगी कि खुदा ताला कुरान में फरमाते हैं कि जिन लोगों ने इस आर्जी ज़िंदगी में चोरों और डाकुओं का साथ दिया, रोज़ा मैशर वाले दिन वो उन चोरों डाकुओं के साथ बराबर के शरीक होंगे। तो मैं इसी नारे को, नारे ही है ना, देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात दो जहानों के मालिक, उनसे बड़ा लीडर मैंने नहीं देखा अपनी दुनिया में, और ना होगा, ना आना है, ना आना है किसी ने। तो वही वाहिद थे हमें उनके नक्शे कदम पे चल तो नहीं सकते, लेकिन कोशिश करनी चाहिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे लेके जाने में, उनकी जो भी कावशें इस कौम कायनात जहानों में जो भी थी उसको आगे लेके जाने में हमारा काम है, उनको हम लेके जाएँ। तो हम मुस्तफ़ा कमाल एक वाहिद लीडर है इस वक्त भी और पहले भी, काफ़ी देर हो गया है, वो भी सीनियर पॉलिटिशियंस में से हैं, वो पहले मेयर थे, फिर MPA भी रहे, MNA भी रहे, लास्ट में वो जो है सेनेटर थे। तो उन्होंने खुद रिज़ाइन किया अपनी जो है डेजिग्नेशन से। तो ये वो वाहिद लीडर है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जिस पर कोई एलिगेशन नहीं है, कोई पाकिस्तान का बंदा मेरे लीडर के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता कि मुस्तफ़ा कमाल ने कोई करप्शन की एक पैनी की भी। 300 अरब रुपए से ज़्यादा जो है सैयद मुस्तफ़ा कमाल को दिए गए, उसमें से 5-10 अरब रुपया अभी इधर उधर कर लेते तो वो अपने आप को कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक पैनी की करप्शन नहीं की। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे उनको जानता भी हूँ किसी हद तक, बल्कि बहुत हद तक, अब तो क्योंकि उनका और मेरा माइंड भी काफ़ी मिलता है अंदर से। उनका मेन पार्टी बनाने का मकसद ही ये था कि ये जो इनफरादी सोच है सिंधी बलोची सराकी पंजाबी पख्तून, इसको ख़त्म करें। सबसे पहले हम एक पाकिस्तानी, मैं आज इस फोरम पे बिजनेस ट्रेड विंग के वाले से ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी लीडर आए हैं, एक वाहिद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने इसको इकट्ठा करने की कोशिश की। अब मैं भुट्टो साहब की तारीफ करता हूँ, अच्छे लीडर थे, अल्लाह तरीके रहमत करे, भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने भी जो है ना सिंधी कार्ड खेला, और पाकिस्तान की तारीख में जितने भी बड़े लीडर आए सब ने कार्ड खेले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिंधी कार्ड खेला, PML के नवाज शरीफ साहब ने पंजाबी कार्ड खेला, महाजरों का जो सरगना बना फिरता है अल्ताफ हुसैन गद्दारे वतन, उसने महाजर कार्ड खेला। फिर उसके अलावा मोहतरमा आई, उन्होंने भी सिंधी कार्ड खेला, सारे उनकी माएँ बहनें सब आप देखेंगे बड़ी बड़ी ओहदों पे हैं, वजारतों पे, मैंने खुद देखा, मिला भी हूँ, जानता भी। फिर उसके अलावा जितने भी लोग आए हैं, इवन के आप किसी भी मौलाना फजलुर रहमान वो शख्स था जिसके बाप ने कहा कि पाकिस्तान ना बने, मौलाना फजलुर रहमान के वालिद ने कहा कि पाकिस्तान ना बने, और जब बन गया तो कहता ये क्यों बना। तो ये लोग हमें सिखाएंगे पॉलिटिशियन। फिर ये सारी नफरतें आप देखें 1947 से लेके आज तक, मैं देख रहा हूँ बचपन से लेके आज तक, और अभी तक पाकिस्तान सही डायरेक्शन पे आया ही नहीं है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं सभी लोगों को जानता हूँ, जितने लोग सारे हमारे सामने तो वो बात नहीं करते, उनको पता ही है कि ईमानदार आदमी है, इसके आगे बोलना मुश्किल है। और फिर अल्लाह ने थोड़ी इज्जत भी दी है, लोग बात करने भी थोड़ा सोचते हैं कि क्या इसका रिएक्शन क्या आएगा बाद में। तो मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक वाहद लीडर थे जिन्होंने सबको इकट्ठा किया, उसके बाद उस वक़्त से लेके आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, उन्होंने अपना सिंधी कार्ड खेला, नवाज शरीफ आया उसने पंजाबी कार्ड खेला, महाजर में अल्ताफ हुसैन आया उसने महाजर कार्ड खेला, फिर अभी जैसे कि चौधरी बरादरा ने, इन्होंने भी कोई ऐसा काम किसी ने नहीं किया कि जिससे आप तारीफ करें। इनसे बेहतर जो ईदी साहब थे, मैं उनको इनसे करोड़ दर्जे इज्जत देता हूँ।
वो ईदी साहब वो थे, उन्होंने पॉलिटिक्स में भी कोशिश की आने की लेकिन फेल हो गए बुरी तरह। फिर उन्होंने सामाजिक कारकुन बन के और वो काम किया कि जो कायनात की तारीख में किसी ने नहीं किया, 50 मुल्कों में उन्होंने वो काम किया सारी दुनिया जानती। तो ये जो लीडर आप देखते हैं, ये हम लोग सारे देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये सारे करप्ट ज़दा है। और आप अहम बात ये देखें कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल ये वाहिद बंदा है जिसने पाकिस्तान की जितने भी लीडरान आए हैं सब ने सिंधी कार्ड खेला, पंजाबी कार्ड खेला, पख्तून कार्ड खेला, फिर आपके पख्तून कार्ड के अलावा जो बलूचिस्तान कार्ड खेला, मुस्तफ़ा कमाल वाहिद लीडर है इन्होंने पाकिस्तान कार्ड खेला, नंबर वन। फिर उसका मतलब ये था, मेन मकसद इन्होंने नफरतें ख़त्म की पाकिस्तान के अंदर। ये वाहिद लीडर ऐसे हैं, इनकी जमात में आप देखें कि आपको इसमें पंजाबी भी नज़र आएंगे, सिंधी भी नज़र आएंगे, सराकी भी नज़र आएंगे, पख्तून भी नज़र आएंगे। जैसे मैं तुर्किश फैमिली से हूँ, मैं पंजाबी नहीं हूँ बेसिकली। अब मुझे भी लोग कह रहे हैं आप महाजर हैं, तो मुझे बड़ा सख्त नफरत है जब मैं ये सुनता हूँ, यार ये सिंधी है, ये बलोची है। इतना तासुर इस पाकिस्तान में पाया जाता है, पूरी दुनिया मैंने 36 कंट्री विजिट की है, बिजनेस देखा है, कहीं भी नहीं मिस्री है तो कहता हूँ मसरी है, कोई ये नहीं कहता कि मैं कहरा का हूँ। तुर्की है तो वो कोई ये नहीं कहता कि मैं इस्तांबुल का, वो कहता मैं तुर्की हूँ। ये वाहिद पाकिस्तान है जहाँ अकलियतों को एहतराम से नहीं देखा जाता। सिंधी है वो कहता मैं पंजाबियों से तगड़ा हूँ, पंजाबी कहते हमसे बेहतर कोई बंदा है ही नहीं। तो ये तासुर ख़त्म किया जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल चेयरमैन पाक सज़मीन पार्टी जी। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर फौजिया हमीद अल्लाह ताला इनको सेहत दे, जैसे कि आपने सुना भी कि बीमार थी, ये बीमारी की हालत में ये तशरीफ़ लाई हैं, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि सेहत भी हो ना, सेहत हो तो पॉलिटिशियन बंदा कर सकते। तो थैंक यू वेरी मच, पाकिस्तान जिंदाबाद।